Hello everybody, hi, welcome to the session. Am I audible and clearly visible to all of you? आवाज़ आ रही है ना मेरा बच्चों, अच्छे से आवाज़ आ रही है? वीडियो विजिबल है? ओके, तो कौन कौन ज्वाइन कर चुका है हमारा आज का सेशन? सो लेट अस सी, हर्ष है, अजय, उद्धव, सचिन, अक्षय, कशिश, वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द सेशन. ओके गाइज, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दी सेशन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बैच है जो 10th अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और जो दूसरा बैच है 14th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है. जो भी बच्चे नीट 22 के लिए अपियर होने वाले हैं उनके लिए दिस बैच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एक और बैच है नीट 22 का, जो थोड़ा लेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन प्रेफर दिस, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 17th. और अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नीट की डेट तक जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री, है ना. और कोई 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. तो ये बम्पर ऑफर चल रहा है बेटा अभी अनअकैडमी पे. सो टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको और 10% ऑफ मिल जाए तो बेटा ये है मेरा कोड, दैट इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा, है ना. ये आप एंटर करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% और आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है. ये अपना फ्री टेस्ट स्केड्यूल चलता है बेटा अनअकैडमी की ऐप पे, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर दीजिए. कोई बच्चा है नहीं डाउनलोड किया है अभी तक तो. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट क्लास में अपना कहाँ तक का हो गया था, है ना. अब अपन को लास्ट क्लास से कंटिन्यू करना है. तो जो बच्चे मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं अनअकैडमी सेपियंस पे और कंप्लीट कर चुके हैं सब कुछ, बहुत अच्छी बात है. मैंने इकोसिस्टम का Part 1 और Part 2 बड़ी प्यार से कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है. अब आपको इकोसिस्टम का Part 3 करवाने वाली हूँ मैं. Part 3 में क्या क्या चीज़ें करूँगी तो थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज करवा देती हूँ ताकि नया वाला समझ में आ जाए, पहली चीज़. दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के पूछे जाते हैं. आपको ये बात पता होगी कि इकोलॉजिकल पिरामिड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी आज. और उसके अलावा इकोसिस्टम सर्विसेज से जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट एक पर्टिकुलर मैं पूरा सेशन आप लोगों के लिए डेडिकेट करूंगी जिसमें मैं आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन थोड़ा अच्छे से बता दूँ और जो भी अपनी बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं. तो चलो बच्चों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेशन. आ गए हैं सभी बच्चे, कर दें स्टार्ट बच्चों. और कौन कौन आ गया है? हेलो अनुज, अक्षय, कशिश, तरुण, नलेश. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो मैंने तुम्हें उस क्लास में बताया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं. जो खुद का खाना खुद बनाते हैं दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, और जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते और किसी और पे डिपेंड करते हैं टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, है ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें अपन बोलते हैं कंज्यूमर, राइट. तो जो प्रोड्यूसर होंगे खुद का खाना खूब बना रहे, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ का न्यूट्रिशन कर रहे हैं. ट्रांसड्यूसर होते हैं, मतलब जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सन की एनर्जी को अपनी फूड एनर्जी में, इसीलिए इन्हें ट्रांसड्यूसर बोला और कन्वर्टर बोला, ठीक है. दे फिर एनर्जी, अगर अपन बात करें कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी अंदर कैसे आती है तो एनर्जी आती है किससे बेटा? प्रोड्यूसर्स के थ्रू. मतलब सन की एनर्जी इकोसिस्टम में कैसे आई? प्रोड्यूसर्स उसको अंदर ले आए इकोसिस्टम में, फूड चेन में. तो अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं दीज फाइटोप्लैंक्टन्स बेटा ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को. हेलो पवन, ठीक है. तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, है ना. कंज्यूमर की बात करें तो ये मेनली हीटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाने के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं. हेटरो मतलब अदर, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, तो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं. एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो. जो बड़े हैं साइज में, नेकेड आइज से विजिबल है बेटा, वो कंज्यूमर होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर, ठीक. इन्हें फैगोट्रॉफ्स या फिर होलोजोइक बोला जाता है. फैगोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं, होलोजोइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैटर को खाते हैं और जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है.
अगर तुम माइक्रो कंज्यूमर को देखो, ठीक है, अगर तुम माइक्रो कंज्यूमर को देखो तो बेटा कहाँ होता है ये कहाँ होगा बेटा? जो डाइजेशन होगा ये बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा, बॉडी के बाहर होगा। मतलब वो बॉडी के बाहर एंजाइम सिक्रीट करेगा, डाइजेस्ट करेगा और फिर उसको बॉडी के अंदर क्या कर लेगा, उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जब हम फैगोट्रॉफ और होलोजोइक की बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग टाइप के डिविजन्स हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो तुरंत जाके प्रोड्यूसर को खा ले, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट को खाएगा इसको भी तो कोई खाएगा, मतलब ये भी तो किसी के लिए प्रोडक्शन है, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा रैपिड करवा रही हूँ बेटा, राइट? सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? प्राइमरी कार्निवोर। हाँ, प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं वो। और फिर आता है टॉप कंज्यूमर। इनको ऑस्मोट्रॉप क्यों बोला? क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं ये न्यूट्रिशन को, बॉडी के बाहर जो न्यूट्रिशन होता है उसे। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, फिर मैं आपको बता चुकी थी, ये सारा अपन पढ़ चुके हैं। मैंने तुम्हें इसमें सब, बच्चे एनसीईआरटी ओपन कर लो बेटा, मैं तुम्हें मार्क करवाऊंगी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मोलस्क क्या होता है, मोलस्क क्या होता है? हर्बीवोर होता है, मोलस्क आर हर्बीवोर। मैंने तुम्हें बोला भी था कि प्लीज इस चीज को लिख लो, है ना? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने साइकिल पढ़ी थी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल 1 पे आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 2 पे आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर 3 पे आते हैं और टॉप पे आते हैं टॉप कंज्यूमर। एनर्जी का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आगे का अच्छे से समझ आए। फिर एग्जांपल्स दिए थे बेटा तुम लोगों को कि तीन टाइप की फूड चेन होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिडेटरी फूड चेन। प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर को कौन खा लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टॉप कंज्यूमर। तो ये जो एग्जाम्पल है कि ग्रास है ना, ग्रास किसने खा ली? रैबिट ने। रैबिट को कौन खा गया? फॉक्स। फॉक्स को किसने खा लिया? लायन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिडेटरी, क्योंकि शिकार हो रहा है, एक दूसरे का शिकार कर रहा है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बेटा? एक्वेटिक फूड चेन, जो पानी में रहता है ना, पानी में जो फूड चेन चलती है दैट इज नोन एज एक्वेटिक फूड चेन। तो फाइटोप्लैंक्टॉन से, जू प्लैंक्टॉन से इन्हें खा लेंगे, स्मॉल फिश जू प्लैंक्टॉन्स को खा लेगी, लार्ज फिश स्मॉल प्लैंक्टॉन्स को। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स है। इसमें है ना दिक्कत कहाँ पे आती है? एक्वेटिक फूड चेन में ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना? मैं तुम्हें बायोमास वगैरह एक्सप्लेन करूंगी। हेलो उद्धव, सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा मुझे लगता है। अब थोड़ा रैपिड चले बेटा, है ना, ये कर चुके हैं। दूसरे टाइप की फूड चेन होती है पैरासिटिक फूड चेन, जिसमें क्या होता है? जो भी बड़ा रहता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। ट्री इकोसिस्टम में ले लो, है ना, तो बर्ड्स हैं, मैंगो का ट्री है ना, अभी समर आने वाली है, मैंगो को याद करते हैं, है ना, मैंगो की ट्री है, मैंगो की ट्री पे बर्ड्स हैं। अब उन बर्ड्स के ऊपर भी कुछ कुछ पैरासाइट्स हैं, तो ये क्या हो गई? पैरासिटिक फूड चेन हो गई। तुम्हारा एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन बॉडी है, कितनी बड़ी है? किसी को सिर में लाइज है, किसी के इंटेस्टाइन में एस्कैरिस है। तो ये जो फूड चेन चलती है दैट इज पैरासिटिक फूड चेन। हेलो पूनम, हेलो एनेस्थीशिया, हेलो बाइकर साइंटिस्ट, हेलो एवरीबडी। ठीक है, तीसरी जो फूड चेन होती है वो होती है डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन की स्पेशलिटी ऐसी है कि ये जब भी बिगिन होगी तो किससे बिगिन होगी? डेड ऑर्गेनिज्म से। मतलब कोई डेड ऑर्गेनिज्म होगा, इस पे बैक्टीरिया और फंगाई क्या करेंगे? खाने लगेंगे, रहने लगेंगे और इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर लेंगे। ये सब किसका एग्जाम्पल है बेटा? डेट्रियस का। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे, अब कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है। चलो आ जाओ बच्चों, एनसीईआरटी ओपन कर लो, अंडरलाइन करवाऊंगी। हेलो सचिन, ऐश्वर्या, हेलो एवरीबडी। चलो, तो ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या करता है? एक नेचुरल सराउंडिंग में एक प्लेस ऑक्यूपाई करता है। ये जो दर्जा उसे देते हैं हम किस लेवल पे देते हैं, कि किसको ट्रॉपिक लेवल 3 पे रखेंगे, किसको ट्रॉपिक लेवल 4 पे रखेंगे, ये सारी चीज़ें पता है किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उसकी फीडिंग रिलेशनशिप क्या है। जैसे ग्रास नहीं खाएगी, ग्रास खाती है क्या कभी? काऊ को, काऊ ग्रास को खाती है ना, उस हिसाब से अपन को ट्रॉफिक लेवल आपको अरेंज करना है। तो किस बेसिस पे कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है, ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन में, उसे ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं।
तो अगर कोई पूछता है ट्रॉफिक लेवल क्या, अपन ने लगाया ना बेटा T1, T2, T3, T4, ये सारे ट्रॉफिक लेवल हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म को कैसे अलॉट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। तो जो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा वो ट्रॉफिक लेवल 1 पे आएगा क्योंकि ये खाना बना रहा है, ठीक है। फिर जो हर्बीवोर होगा ये ट्रॉफिक लेवल 2 पे आएगा क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर है या फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, इसको दोनों नाम बोल सकते हैं। फिर जो ट्रॉफिक लेवल 3 होगा वो किसका होगा, मोस्टली कार्निवोर का होगा, और ये क्या है बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसको भी कोई खाने वाला है, इसको कौन खाता है? तो जो टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पर है इसे कौन खाएगा, इसे खाएगा टॉप कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने जो मैंने बात बताई है, अब ये पॉइंट्स बेटा कहीं नहीं मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन पॉइंट्स को समझने का ट्राई करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी बच्चे, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना। हेलो परी, हेलो एनके, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो वेल होती है तुम्हें पता है ब्लू वेल के बारे में, तो जो वेल होती है मैमल होती है ये हमें पता है, एक्वेटिक मैमल है, पानी में रहती है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, एक्वेटिक बोल दिया। तो जो वेल है एक्वेटिक मैमल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहती है। तो मैं वेल के बारे में एक दो प्यारे से फैक्ट बताती हूँ, यू विल बी वेरी शॉक्ड टू लिसन दैट। तुम्हें पता है जो वेल होती है इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि जो उसका हार्ट होता है वो कितना होता है, रूम में जो तुम्हारे रूम का फ्लोर है और जो तुम्हारी रूम की सीलिंग है, इतना बड़ा हार्ट होता है बेटा ब्लू वेल का। अब उस ब्लू वेल क्या है, एक मैमल है, ठीक है, मैमल है। तो 4 चेंबर होते हैं मैमल्स में, तो हर चेंबर में एक एक बच्चे को मैं बिठा सकती हूँ, इतने बड़े बड़े चेंबर होते हैं। तो कैन यू इमेजिन कितनी ह्यूज है बेटा ब्लू वेल। फिर अगर तुम उसकी ब्लड वेसल्स देखो, है ना, तो जो छोटे से बच्चे होते हैं ना वो ब्लड वेसल्स में स्विम कर सकते हैं ब्लू वेल की, है ना। तो इतनी बड़ी होती है बेटा ब्लू वेल। तो उस ब्लू वेल की बात कर रहे हैं, जब ब्लू वेल है ना इनहेल करती है, एक्सहेल करती है, तो जैसे एक्सहेल करती है इतना प्रेशर से ऊपर पानी जाता है कि अगर उसके नॉस्ट्रल्स पे, ब्लू वेल की नॉस्ट्रल पे अगर कोई बैठा होगा ना तो 5-10 feet उसे ऊपर फेंक देगी। दिस इज अबाउट ब्लू वेल बेटा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ब्लू वेल, ठीक है। तो जो वेल होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहती है और सेकेंडरी कंज्यूमर, इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगी कौन बताएगा मुझे, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? कैरी मिनाटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे बेटा, एक बार ये कंप्लीट कर दे, ठीक है। फिल्टर फीडर होती है, फीड्स ऑन दी प्लैंकटॉन, मतलब क्या होता है कि ये सी है, सी में बहुत सारे फाइटोप्लैंकटॉन्स है, जू प्लैंकटॉन्स है, मतलब प्लांट है जो फ्लोट कर रहे हैं, एनिमल्स है जो फ्लोट कर रहे हैं। तो इसके पास ऐसी नेट है इसके माउथ में, ठीक है। पहले ये अंदर लेती है, पहले माउथ है, पूरा पानी इसने अंदर ले लिया ब्लू वेल ने, फिर ऊपर ऐसी नेट जैसा टीथ लगा देती है और पानी फेंक देती है और प्लैंकटॉन्स अंदर अंदर बच जाते हैं। इसीलिए इसको फिल्टर फीडर बोला कि पूरा पानी अंदर ले लिया, फिर इसमें एक फिल्टर लगा दिया और फिर उसको छोड़ दिया पानी को। तो फिल्टर फीडर है, इट फीड्स ऑन दी प्लैंकटॉन, ठीक है। अब प्लांट पैरासाइट को किस ट्रॉफिक लेवल का दर्जा देंगे हम? तो जो प्लांट पैरासाइट होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों प्राइमरी कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्या पूछ रहे हो बेटा थॉमस? हाँ, 10th की जो बोर्ड्स है वो कैंसल हो चुकी है, 12th की जो बोर्ड्स है CBSE बोर्ड्स वो पोस्टपोन हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली जून के बाद होगी, जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है बेटा कि नीट की डेट भी पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में अभी कुछ भी श्योर नहीं बोल सकते। समझदारी इसी में है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो नीट का, अगर 1st August के हिसाब से प्रिपेयर करो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है पोस्टपोन हो, नहीं तो तुम्हारा एकेडमिक ईयर है वो आगे पीछे हो जाएगा, तुम्हें 1st August के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। लेकिन जो एनिमल पैरासाइट्स होते हैं दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। एग्जाम्पल ईकोलाई है, है ना, पैरासाइट की तरह बॉडी में रहता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, अमीबियासिस कॉज करता है, टेप वॉर्म है बेटा, जो भी तुम खाते हो ये खा जाता है तुम्हारे अंदर रह के। इंसेक्टिवोरस प्लांट का अगर अपन ले तो इसके दो रोल्स होते हैं, इट हैज़
ड्यूअल रोल इन द इकोसिस्टम. इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, खुद का खाना खुद बनाता है, इसीलिए इसे हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, है ना. और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो क्या करता है बेटा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है, क्योंकि वो किसको खा रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है ना. तो दोनों तरह के रोल हैं इसके. अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी यहाँ पे अपन को एक एग्जाम्पल देती है. एग्जाम्पल ये देती है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, और वो होते हैं प्लांट्स. इनका एग्जाम्पल है फाइटोप्लांकटन्स, ग्रास और ट्री. ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दिस इज जस्ट द रिविजन, है ना. फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं. ये मोस्टली क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जू प्लैंकटॉन्स, ग्रास ऑपर्स एंड काउ, ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे ये ट्रॉफिक लेवल थर्ड पे आते हैं. इन प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड पे बताया मैंने आप लोगों को. और जो सबसे ऊपर आते हैं ट्रॉफिक लेवल पे, T4 पे, दीज आर दी टॉप कार्निवोर और दीज आर दी टॉप कंज्यूमर, जैसे मैन है और लायन है. इनको खाना कोई नहीं खाता, इनकी डेथ होती है, उसके बाद इनका डिग्रेडेशन कर देते हैं बैक्टीरिया और फंजाए, ठीक है. ओके हाँ बेटा, सबके कमेंट्स पूछ रही हूँ, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. नेक्स्ट, अब जो तुम पूछ रहे हो सचिन, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, वो आ गया. सुनो मेरी बात, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाती है ना. क्यों कम होती जाती है, जैसे इसके पास इतनी सारी एनर्जी है इस ट्रॉफिक लेवल पे, अगले ट्रॉफिक लेवल पे कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि कुछ रेस्पिरेशन में लॉस हो गई, इसने भी तो यूज़ करी होगी एनर्जी को, रेस्पिरेशन में लूज हो गई, अब बची हुई इसके पास जाएगी, फिर अगले ट्रॉफिक लेवल पे थोड़ी और रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी, फिर थोड़ी कम जाएगी. तो हर ट्रॉफिक लेवल में जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे ही एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है. तो दो इसको अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ठीक है. फिर फाइनली जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो डेट्रियस में या फिर बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोजर्स उसे कन्वर्ट कर देते हैं, फिर से वो जो एनर्जी है वो किसको मिल जाती है, डिकम्पोजर्स को मिल जाती है, ठीक है. अब जो स्टैंडिंग क्रॉप के डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जाती है, 10% लॉ में बताती हूँ, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव. अपन जितने भी अनअकैडमी पे मॉक सॉल्व करवाए मैंने तुम्हें, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है. तो एक्चुअल में स्टैंडिंग क्रॉप होता कैसे है, क्या डिफाइन करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप पे, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ लिविंग मैटर का जो मास होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है. तो इसके स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में चीज़ें नोट करते हैं बेटा. स्टैंडिंग क्रॉप, तो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना लिविंग मटेरियल का मास है ना, कितना लिविंग मटेरियल का मास है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, राइट. गुड आफ्टरनून अक्षु, हाँ बच्चों वेलकम टू द सेशन एवरीबडी, है ना. तो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो लिविंग मास है उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. जब हमें मेजर करना है कि स्टैंडिंग क्रॉप कितना है, तो किसके टर्म्स में करेंगे हम, बायोमास के टर्म में करेंगे, या फिर और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ये दो इसकी यूनिट है, ठीक है. तो जो बायोमास ऑफ अ स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट, बायोमास फ्रेश के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ड्राई के उसमें भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. अब जो बच्चे 10% लॉ की बात कर रहे हैं, 10% लॉ बताती हूँ. बताओ बेटा 10% लॉ किसने दिया था, कौन बताएगा, हु गेव द 10% लॉ, कमेंट बॉक्स में बताओ. देखे किन किन बच्चों को पता है कि 10% लॉ किसने दिया था. फिर उसके बाद देखो, अब अपन करते हैं, उनका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ग्रेजिंग फूड चेन है तो उसमें जो एनर्जी फ्लो होती है ना, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी क्या होती है, कम होते जाती है. हाँ वेरी गुड बेटा, तरुण अदिति लिंडमैन ने दिया था. फॉर एग्जाम्पल ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है. सन से जो एनर्जी आती है, ठीक है, सन से जो भी एनर्जी आई, ठीक है, उसका 1% एनर्जी ट्रॉफिक लेवल 1 में आ जाता है, ठीक है. सन से
जो आई उसका 1% एनर्जी कहाँ आ जाएगा, ट्रॉफिक लेवल 1 पे, फिर 10% कम होते जाती है हर ट्रॉफिक लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% कम होगी। ये किसने दिया था लॉ बेटा? ये दिया था लिंडमैन ने। वेरी गुड अक्षय, राहुल, कशिश, सचिन, बहुत अच्छा बताया बेटा, इसको अपन 10% लॉ बोलते हैं। अब मुझे कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा कि अगर ट्रॉफिक लेवल 1 पर, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 पर अगर एनर्जी है 2000, तो ट्रॉफिक लेवल 2 पर कितनी एनर्जी रहेगी? मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, मुझे बताओ, है ना, कि ट्रॉफिक लेवल 1 पे अगर 2000 एनर्जी है ना, तो ट्रॉफिक लेवल 2 पे 10% कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, कौन बताएगा? ठीक है, फिर एक डायग्राम दिया है एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, कि अगर हर ट्रॉफिक लेवल की बात करें, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है, तो इस पे एनर्जी कैसे होती है? वेरी गुड अदिति, अक्षय, निलेश, है ना, 2000 अगर ट्रॉफिक लेवल 1 पर है तो 10% कम हो जाएगी ट्रॉफिक लेवल 2 पे, कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो 200 हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया। अब अपन देख बात करते हैं, तो सन है, सन से जो एनर्जी आई थोड़ी सी हीट में चली गई, और जो थोड़ी सी एनर्जी थी वो किसने ले ली? ग्रीन प्लांट्स ने ले ली, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो ऑटोट्रॉफ है। इसीलिए जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट होते हैं। अब क्या होगा, इस प्लांट को किसने खा लिया? किसने खाया बेटा, जो इस प्लांट को किसने खाया? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर जो है, जो भी हर्बीवोर्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, कैटरपिलर्स होंगे, वो क्या करेंगे, प्लांट को खा जाएंगे, तो दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। तो अब जब प्लांट से हीट, मतलब ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 में जब हीट आई, तो थोड़ी हीट में लॉस हो गई और बची भी इधर चले गई। जब ट्रॉफिक लेवल 2 से 3 में जाएगी तो थोड़ी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी और थोड़ी ट्रॉफिक लेवल 3 पे चले जाएगी। अब वो इंसेक्ट किसने खा लिया? स्पैरो ने खा लिया। तो जो स्पैरो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है और सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब जब स्पैरो को ईगल खाती है, वल्चर खाती है, तो कुछ तो हीट में डिसिपेट होगी और बची भी इधर चले गई, मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% कम होता गया। ठीक है, तो जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है इसके पास सबसे कम एनर्जी बचेगी, है ना। तो कोई तुमसे पूछे कि अगर एनर्जी प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा है कि टॉप कार्निवोर के पास ज़्यादा है, तो जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास है, क्योंकि हर सक्सेसिव लेवल पे 10% कम होता गया और आखिरी वाले पे तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम कि अगर इंसेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है कि लायन ज़्यादा स्ट्रांग है? इंसेक्ट तो T2 पे है और लायन किसके पास है? T4 पर है, तो मैम स्ट्रांग तो वो ज़्यादा है। तो बेटा इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ बात नहीं की है, इन द टर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बात करी है, कि सबसे ज़्यादा जो सन के से एनर्जी आई वो सबसे ज़्यादा प्लांट के पास थी और सबसे ज़्यादा लायन। अब ऐसा होता है ना, यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल की बात करी है, अब तुम्हें दिखता है कि ताकतवर शेर ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? कि देखो, एक ग्रास की एनर्जी की बात हो रही थी, एक कीड़े की बात हो रही है, एक स्पैरो की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो बर्ड है वो एक ही इंसेक्ट थोड़ी खाती है, बर्ड तो 50 इंसेक्ट खा लेगी, तो 50 की एनर्जी बर्ड के पास गई, तो बर्ड इसीलिए स्ट्रेंथ बढ़ गई बर्ड की, क्योंकि वो एक नहीं खा रही है। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमें समझ आ जाता है बेटा, है ना, कि इंडिविजुअल में तो इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन अब किसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है? लायन है, वो किसको खाएगा? जिसने इतने सारे इंसेक्ट्स खाए, जिसने इतनी सारी खाई और इतना खाया और लायन ने इसको खा लिया, तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं इनके बारे में समझो। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? पिरामिड शेप के होते हैं, इसीलिए इनको अपन ने इकोलॉजिकल पिरामिड बोल दिया। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्यों बोला? तो क्या होगा कि इकोलॉजी में, मतलब इकोसिस्टम में, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें हम मेनली तीन चीज़ें पढ़ते हैं। एक होती है नंबर, कि किस ट्रॉफिक लेवल पे कितने हैं ऑर्गेनिज्म, कितनी स्पैरो हैं, कितने लायन हैं, कितनी ग्रास है, कितने प्लांट हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं बायोमास,
कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है इनका मास कितना है, इनका वेट कितना है एक इकोसिस्टम में लिविंग मैटर का, दैट इज नोन एज बायोमास। तीसरी चीज जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो है एनर्जी, कि कितने ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है। तो इन तीनों को जब हम पढ़ते हैं तो इनके पढ़ने को इजी करने के लिए हम इसको पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पिरामिड पढ़ना इजी है, डेटा पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं इनको और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड। ये एनसीईआरटी में ऐड कर लो अगर आप लोगों ने ऐड नहीं करा हुआ है तो। एल्टोनियन पिरामिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एल्टोनियन ने इन्हें डिस्कवर किया था, तो एल्टोनियन पिरामिड हो गए। ठीक है, तो अब जो पिरामिड होता है बेसिकली ऐसा होता है, तो ये जो होता है पिरामिड का बेस होता है और ये पिरामिड की एपेक्स होती है। ठीक है, तो पिरामिड का जो बेस होता है वो मोस्टली क्या होता है, वाइडर होता है, और एपेक्स क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट वो होता है नैरोअर। तो हमको इस शेप से पूरे पिरामिड समझने हैं। मैं बता रही हूँ बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो अब जब भी अपन को नंबर पढ़ना है, बायोमास पढ़ना है या एनर्जी पढ़ना है, तो हम बायोमास इसको पिरामिड के फॉर्म में इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो जो बेस रहता है उस पर रहता है ट्रॉपिक लेवल वन, मतलब बेस पे आएगा T1, मतलब जो भी प्रोड्यूसर होगा वो बेस पे रिप्रेजेंट होगा, और जो सबसे ऊपर होगा T4 होगा, है ना, जो टर्शरी लेवल पे होगा या फिर जो टॉप कार्निवोर होगा वो आता है एपेक्स पे। ये अपन को पिरामिड बनाते हुए ध्यान रखना है। अभी अपन ने इस पेज पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी पढ़ी, कि एल्टोनियन ने डिस्कवर किया, T1 का होता है, T4 का होता है, और कितने टाइप के पिरामिड्स होते हैं, नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का। चलो अब अपन एक एक करके मैं आपको सारे पिरामिड्स एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जिसको भी ये कॉपी में बनाना है साथ साथ में बनाते चले। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर में क्या पढ़ना है अपन को, तो नंबर अपन करते हैं, जैसे अगर अपन ने इसको जोड़ा रफली, ऐसे जोड़ के देखो तो एक पिरामिड शेप आ गया ना बेटा, इसीलिए इसको पिरामिड बोलते हैं। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है बेटा, वो ट्रॉफिक लेवल वन पे आया। तो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन ग्रास। ठीक है, ग्रास लेते हैं, तो जो ग्रास है बेटा इसकी अगर अपन बात करें तो कितनी ग्रास होती है एक इकोसिस्टम में, इतनी सारी ग्रास है फॉर एग्जाम्पल। अब ये ग्रास कौन खाएगा, ये वाली ग्रास किसने खा ली बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर ने खा ली। प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल बोल देती हूँ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट हो गए अपने प्राइमरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चलो। ठीक है, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट का नंबर इतना था। जैसे ही ऊपर, तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे हम T1 से T2 में गए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो गए। कभी ऐसा होता इंसेक्ट ज़्यादा होती ग्रास कम होता तो ये पॉसिबल था क्या, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता कि ग्रास कम है और इंसेक्ट ज़्यादा है तो इंसेक्ट को खाना नहीं मिलता, इंसेक्ट में स्टारवेशन हो जाता, इंसेक्ट भूखे रह जाते, इंसेक्ट की डेथ हो जाती। तो अल्टीमेटली नेचर में जो ट्रॉफिक लेवल 2 पे जो ऑर्गेनिज्म है इंसेक्ट, वो हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 से कम ही होगा। ठीक है, तो ये कम हो गया। अब इंसेक्ट को किसने खा लिया, बर्ड ने खा लिया, स्पैरो ने खा लिया। ठीक है, तो जो ट्रॉफिक लेवल 3 आया वो सेकेंडरी कंज्यूमर का, वो ये उसका नंबर और कम हो गया। स्पैरोस तो क्या होंगी, और कम होगी। अब स्पैरो को किसने खा लिया बताओ, स्पैरो को किसने खाया, स्पैरो को तो डॉग भी खा जाता है, डॉग ने खा लिया, तो डॉग का नंबर और कम होगा। तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर होते गए क्या होते गया बेटा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते गए। तो नेचर में मोस्टली हम जितनी भी फूड चेन देखते हैं उसमें यही देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यही इन्होंने एक्सप्लेन करा पिरामिड ऑफ नंबर किस में एक्सप्लेन करा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ओनली क्या होता है, 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड, मतलब इतने कम। सोचो ट्रॉफिक लेवल 1 पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, ट्रॉफिक लेवल तो 4 पे इतने कम है। समझ आया बेटा ना, ईगल ने खा लिया, डॉग ने खा लिया, कोई भी खा सकता है बेटा। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं तो एग्जांपल अपराइट, तो ग्रासलैंड का अगर तुम पिरामिड देखोगे नंबर का तो वो अपराइट होगा। मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिया, अपराइट मतलब ऐसा खड़ा हुआ।
इसका और एग्जांपल देख लो, ग्रासलैंड में देखो कि ये ग्रास हो गई इतनी सारी, फिर रैबिट तो ग्रास से कम ही होंगे, फिर रैबिट को कौन खा लेता है? फॉक्स। वॉर कम होंगे, और लायन तो सबसे टॉप है तो वॉर कम होगा। ये ग्रासलैंड का एग्जाम्पल हो गया। यही तुम एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखो, पानी वाले का, तो उसका भी जो पिरामिड ऑफ नंबर रहता है वो क्या रहता है बेटा? अपराइट रहता है ना। पूछते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत सारे होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स थोड़े कम होते हैं, स्मॉल फिशेस और कम होती है, लार्ज फिशेस का नंबर और कम होता है। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हुआ उसका भी जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या होगा? अपराइट होगा। समझ आया बेटा यहाँ तक? सभी को समझ आया? ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। अब यहीं अपन बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो पिरामिड ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं अपराइट, कि सीधा पिरामिड है जैसा मैम ने समझाया था वैसा। पर अगर उल्टा हो गया है ना, पिरामिड क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, तो ऐसा होता है। मतलब जो बेस है, ये बेस होना चाहिए था, वो नैरो हो गया, और एपेक्स क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। तो ये इन्वर्टेड है, इसमें हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन किस में देखने मिलता है? तो ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है ट्री इकोसिस्टम में। ट्री इकोसिस्टम में हमें ये एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो ट्री इकोसिस्टम में ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है? तुम्हें क्या लगता है ट्री इकोसिस्टम में ऐसा गुड़मुड़ कैसा हो गया बेटा, उल्टा कैसे हो गया? तो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो ट्री होता है वो तो एक ही रहता है, तो इसका नंबर तो बहुत ही कम है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखें जो बर्ड्स हैं, ट्री के ऊपर एक बर्ड नहीं रहती, बहुत सारी बर्ड्स रहती है, तो इसका नंबर और बढ़ गया। फिर उन बर्ड्स के ऊपर, बर्ड्स साफ सफाई से नहीं रहते हैं, तो उन बर्ड्स के ऊपर और बहुत सारे पैरासाइट रहने लग गए। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बढ़ता गया। तो जो पिरामिड ऐसा होना चाहिए था अब ऐसा हो गया। तो इसको बोलते हैं हम कि एक्सेप्शन ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज पैरासिटिक इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम इसका एक्सेप्शन है। एग्जाम में बहुत पूछते हैं, एक्सेप्शंस पूछते हैं, तो एक्सेप्शंस पे स्पेशल ध्यान दो। तो ट्री तो एक था, बर्ड और ज्यादा हो गए, 10 हो गए, उन 10 बर्ड पे 10 पैरासाइट, तो पैरासाइट 100 हो गए, तो पिरामिड क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, वेरी गुड बेटा परवेज, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। सभी बच्चों को पिरामिड ऑफ नंबर समझ आ गया ना? गुड आफ्टरनून विशाल, हेलो जोशना। नेक्स्ट पे आओ, पिरामिड ऑफ नंबर बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो पिरामिड ऑफ नंबर अपन ने पीछे पढ़ा वो एक्चुअल में क्या शो करता है? तो वो किसी भी इकोसिस्टम का बायोटिक पोटेंशियल शो करता है, कि कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस बायोम का, कितना पोटेंशियल है, ये चीज कौन शो करता है? पिरामिड ऑफ नंबर शो करता है। ठीक है, अब हम पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के पिरामिड में क्या होता है? व्हाट इज बायोमास? तो जो मास है लिविंग मैटर का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना मास है, दैट इज नोन एज पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जो नंबर और बायोमास एक जैसे होने चाहिए, है ना। देखो जरा पढ़ते हैं अपन ट्री इकोसिस्टम। भाई अब तुम्हें इन्वर्टेड और अपराइट समझ आ चुका है, अब इसको सिर्फ डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो ट्री, अगर अपन ने ट्री इकोसिस्टम देखा तो क्या होगा कि बहुत सारे जो ट्री है उसका वेट कितना बड़ा है, बैनियन ट्री कितना भारी है, उस पर रहने वाले बर्ड्स का वेट कम है, बर्ड्स हल्के हैं। बैनियन ट्री को तुम उठा नहीं सकते, 5-6 बर्ड्स को साथ में उठा सकते हो, 5-6 बैनियन ट्री को थोड़ी साथ में उठा सकते हैं। तो ट्री का जो बायोमास है बहुत ज़्यादा है, बर्ड की थोड़ी कम हो गई, पैरासाइट की और कम हो गई, है ना। क्योंकि पैरासाइट तो कितने छोटू छोटू से थे बेटा, पैरासाइट्स कितने छोटे से थे, है ना, बर्ड के ऊपर रहते हैं, एक बर्ड के ऊपर। तो ट्री इकोसिस्टम भले ही वहाँ पे इन्वर्टेड था, एक्सेप्शन था, पर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये वाला जो ट्री इकोसिस्टम है ये राइट है, अपराइट है। यही तुम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखो तो ग्रास का वेट, बहुत सारी ग्रासेस है तो ग्रास का वेट बहुत ज़्यादा है। फिर रैबिट कम हो गए तो रैबिट का वेट थोड़ा कम है, है ना। फिर क्या होगा, फॉक्स इकोसिस्टम में और कम रहेगी तो फॉक्स का वेट और कम रहेगा, लायन इकोसिस्टम में और कम रहेंगे, एक दो ही रहेंगे तो उसका वेट और कम होगा। तो ट्री इकोसिस्टम में भी अपराइड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी अपराइड है। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर तो क्या बताता है, बायोटिक पोटेंशियल बताता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या बताता है,
पिरामिड ऑफ बायोमास बताता है स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ इकोसिस्टम कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना लिविंग मटेरियल एग्जिस्ट करता है, ये कौन बताता है? पिरामिड ऑफ बायोमास बताता है। दो पिरामिड्स हमने पढ़ लिए, किसी को भी कोई डाउट है क्या बेटा? तो इधर आ जाओ। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। देखो भाई, अगर इनको मैं जोड़ दूँ, इनको ऐसे मैंने ऐड कर दिया है ना पॉइंट्स को, तो क्या बन गया? पिरामिड का शेप बन गया। तो एग्जाम्पल बता रहे हैं वो, है ना, कि धीरे धीरे ड्राई वेट कम होता जाएगा जैसे ऊपर लेंगे। ड्राई वेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बेटा, है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल है पिरामिड ऑफ बायोमास का, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास कम हुआ, मतलब पिरामिड क्या है? अपराइट है। तो मोस्टली नेचर में अपराइट बायोमास के ही पिरामिड मिलेंगे, ठीक है। अब इस पिरामिड ऑफ बायोमास का भी तो कुछ एक्सेप्शन होगा। पिरामिड ऑफ नंबर का एक्सेप्शन क्या था? पिरामिड ऑफ नंबर का एक्सेप्शन था ट्री इकोसिस्टम, है ना, क्योंकि एक ट्री है और उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब अगर कोई तुमसे यहाँ पूछे कि ये बताओ बेटा कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये तो तुम बोल रहे हो कि मोस्टली अपराइट होता है, इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? इसका एक्सेप्शन कैसे बताओगे? ठीक है, तो इसका, हाँ वेरी गुड बेटा परवेज, इसका एक्सेप्शन क्या होता है कि जब भी हम कोई एक एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं, पानी में जो इकोसिस्टम चल रहा है, जो फूड साइकिल चल रही है, फूड चेन चल रही है, वो देखें, तो वो एक्सेप्शन होता है पिरामिड ऑफ बायोमास का। कैसे? तो जो इसमें ट्रॉफिक लेवल वन है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो इकोसिस्टम में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन का वेट बड़ा कम है, मतलब बायोमास बहुत कम है। फिर ट्रॉफिक लेवल टू पे आते हैं, जो कंज्यूमर है, जो अपने हर्बी, ये है हर्बीवोर्स, ज़ू प्लैंक्टन, इनका वेट उससे ज़्यादा है, तो बायोमास बढ़ गया। स्मॉल फिशेस का वेट तो ज़्यादा ही होगा बेटा, मछली भारी होगी कि जो फ्लोट कर रहे हैं हल्के हल्के ऑर्गेनिज्म। फिर ऊपर देखो T4, लार्ज फिशेस, इनका और ज़्यादा है। तो जब हमने देखा तो धीरे धीरे बढ़ता गया एट सक्सेसिव लेवल बायोमास, मतलब जो धीरे धीरे क्या होना चाहिए था, कम हो रहा था बायोमास तो हर ट्रॉफिक लेवल पे, पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो क्या हो गया? कम हो गया, कि सॉरी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बढ़ गया हर ट्रॉफिक लेवल पे। तो दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? इस, ये इन्वर्टेड पिरामिड बन गया, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो फूड चेन है, दैट इज एक्सेप्शन फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास। दोनों के एक्सेप्शन समझ आ गए और याद हो गया क्या बेटा? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, दिस इज स्टार क्वेश्चन बेटा, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। नहीं आया है तो पूछ लो, है ना। अब क्या होगा बेटा? अब जब हम पिरामिड, अब थर्ड पिरामिड पढ़ते हैं, जो थर्ड पिरामिड है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी टोटल एनर्जी कितनी है, उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी रहता है, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये इट इज़ ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैसा रहेगा? हमेशा अपराइट रहेगा, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन आया कि विच पिरामिड हैज़ नो एक्सेप्शन, या फिर ऐसा क्वेश्चन आया कि विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो तुम उसमें क्या बताओगे? उसमें बताओगे कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा अपराइट है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? ट्रॉफिक लेवल वन की। ट्रॉफिक लेवल टू की कम हो जाएगी, ट्रॉफिक लेवल थ्री की और कम हो जाएगी, ट्रॉफिक लेवल फोर की और कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर लेवल पे हीट और रेस्पिरेशन में एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी तो कम होनी ही होनी है, ठीक है, कम डेफिनेटली होगी, ठीक है। क्या पूछ रहे हो लालचंद? एम्स बीएससी नर्सिंग कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एम्स बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छी जॉब लगती है, सीट्स बहुत कम है और एम्स का तो नाम ही है बेटा, ठीक है। तो हर इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम ही होती है हर इकोसिस्टम में। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी कंटेंट की, बायोमास की या नंबर की, तो हम सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं जो उस ट्रॉफिक लेवल पे है।
जिसे कोई ट्रॉफिक लेवल है, ट्री की बात करी तो उसके कितने, उसके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे अगर फॉर एग्जाम्पल आता है बर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड अपन को इंक्लूड करने पड़ेंगे अगर अपन को पूरी कैलकुलेशन करना है तो. ठीक है, कोई भी जनरलाइजेशन है ना जो अपन बनाएंगे वो सही नहीं रहेगा, हमें अच्छे से प्रॉपर काउंटिंग करनी रहेगी. ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक्चुअल में, ये वाला पैराग्राफ तुम्हें एनसीईआरटी में क्लियर नहीं बताया गया, इन्होंने ना थोड़ा हॉचपॉच करके बता दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पैराग्राफ को मैं बच्चों को इजीली समझाने के लिए 3 पॉइंट में हेडिंग के साथ बना दूं. ठीक है, तो लिमिटेशन क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, ये बताना है कि कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड जो हमने पढ़ा है, नंबर का, बायोमास का, एनर्जी का, है ना, उसके एक्सेप्शन, उसका मतलब लिमिटेशन क्या है, कि इस पिरामिड में कमी क्या है. तो इस पिरामिड में कमी ये है कि है ना, इट डज नॉट इंक्लूड सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल. कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो कभी कभी प्रोड्यूसर की तरह काम करेगा तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे आ जाएगा, कभी कभी सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह काम करेगा तो किस पे आ जाएगा बेटा, ट्रॉफिक लेवल 3 पे आ जाएगा. तो जब सेम स्पीशी दो या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करती है तो इकोलॉजिकल पिरामिड उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. तो दिस इज द एक्सेप्शन और दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड बेटा. यही अगर अपन बात करो कि मैम और क्या लिमिटेशन है, तो ये क्या होता है, फूड वेब नहीं बता पाता, फूड चेन बताता है, फूड वेब नहीं बनाता. क्यों? क्योंकि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसको तो बनाया ही हमने फूड चेन के लिए, ये फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल 1, ये फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल 2, ये फूड चेन की ट्रॉफिक लेवल 3 और ये 4. तो ये फूड वेब को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑल्सो नोन एज अल्टोनियन पिरामिड. अगली चीज, सेप्रोफाइट. ठीक है, तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं बेटा, सेप्रोफाइट वो होते हैं जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, है ना, वो होते हैं सेप्रोफाइट. तो वो भी क्या होते हैं, नहीं इंक्लूड होते, वो भी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं. कहाँ जगह दी बताओ ना, T1 से T4 ले गए, कोई जगह मिली क्या बेचारे बैक्टीरिया और फंगस को? तो ये इसका बेसिकली क्या हो गया है, एक्सेप्शन हो गया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब एक स्पैरो है, ठीक है, चिड़िया है, बड़ी सुंदर सी, ये क्या करती है, जब ये सीड खाती है, जब ये फ्रूट खाती है, जब ये पी खाती है, तो ये क्या होती है, प्राइमरी कंज्यूमर होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट को खा रही है. पर यही स्पैरो अगर कभी इंसेक्ट को खाने लग जाए, वॉर्म को खाने लग जाए, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी. तो फिर पिरामिड समझ नहीं पाएगा कि मैं इसको किस लेवल पर रखूं. तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड. ठीक है, एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है, इसको अंडरलाइन करो, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशी को रिप्रेजेंट नहीं करता. ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें इसके क्या बता दिए हैं, लिमिटेशन बता दिए हैं. ठीक है, देखो ज़्यादातर इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो पिरामिड है नंबर का, एनर्जी का और बायोमास का, ये अपराइट होता है. ठीक है, एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट होता है विदाउट एक्सेप्शन. ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं नंबर में और बायोमास ज़्यादा होता है हर्बीवोर्स से, तो फिर क्या होता है इसका, है ना, इन्वर्टेड हो जाता है. ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, ये तुम्हें पिरामिड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं. ठीक है, ये इसका ये एक्सेप्शन है कि नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर का एक्सेप्शन क्या है, दो एक्सेप्शन है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लो. पिरामिड ऑफ नंबर का अगर अपन एक्सेप्शन ले तो ट्री इकोसिस्टम है वो इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि उल्टा पिरामिड बन रहा है कि ट्री कम है, पैरासाइट ज़्यादा है, तो उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है. ठीक है, तो पैरासिटिक में ऐसा होता है. ठीक है, ये किसका एक्सेप्शन हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर का. ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास का एक्सेप्शन कौन है, पिरामिड ऑफ बायोमास का एक्वेटिक इकोसिस्टम है. सिर्फ ये दो तुम्हें इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखने, काफ़ी बार बता चुकी हूँ. ठीक है, फिर आ जाओ, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो एनर्जी फ्लो करती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, और हर ट्रॉफिक लेवल पे हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, तो ऊपर एनर्जी जाएगी तो रिपीटेडली कम होते जाएगी, है ना.
तो ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड क्या इंडिकेट करेगा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल पे, एक गिवन टाइम पे और एक गिवन एरिया में. समझ आया बेटा? नेक्स्ट पे आ जाओ. ठीक है, ये इसकी जो लिमिटेशंस थी वो मैंने बता दी है. ठीक है, जो लिमिटेशंस थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा. ठीक है, इट डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब, है ना. फिर उसके बाद सेम स्पीशी को भी अकाउंट में नहीं रहती, सेप्रोफाइट को भी नहीं रहती. तो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये लिमिटेशंस को इंक्लूड कर रहा है. ठीक है, तुम हेडिंग डाल दो कि कोई तुमसे पूछे कि लिमिटेशंस क्या है तो तुम्हें पता रहे. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा. बस थोड़ा सा बचा है, सुन लो. नेक्स्ट आती है इकोसिस्टम सर्विसेज. कभी कभी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो यहाँ से आ जाते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज से, कि एक्चुअल में जो नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमारे लिए कितने सारे काम कर रहा है, कितने सारे काम करता है. मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा कि जो हमारा एटमोसफियर है, नेचर है, कितने ज़्यादा काम कर रहा है हमारे लिए. तो ये जो काम करता है इसके लिए वो कोई तुमसे पैसे भी नहीं लेता है कि चलो आज मैंने तुम्हारे लिए ऑक्सीजन बनाया है, कम ऑन गिव मी सम कैश, है ना. ऐसा नहीं करता, तुमसे बदले में भी कुछ नहीं मांगता. तो एक्चुअल में इकोसिस्टम मतलब जो नेचर है वो हमारे लिए कितना काम कर रहा है, द वर्क द इकोसिस्टम इज डूइंग फॉर अस, है ना, एंड विदाउट टेकिंग मनी. ये सब क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज है. तो हमें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही है वो भी कितनी प्रेशियस और कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक है, तो जो हेल्दी इकोसिस्टम रहता है, ठीक है, वो अपन के लिए बहुत सारे काम करता है, वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज देता है. ट्रीज है तो वुड दे रहे हैं, है ना. इन्वायरमेंटल सर्विसेज दे रहा है, वाटर साइकिल मेंटेन कर रहा है. एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज, व्हाट इज दिस एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज? तुम कभी दुनिया से बहुत परेशान हो, है ना, आराम से जाओ, है ना, टेरेस पे बैठो, सुंदर सा मून देखो, तारे देखो, या फिर कभी सुबह जब चिड़िया आवाज़ करती है, या फिर कहीं फॉरेस्ट में कैंपिंग चले जाओ, वॉक पे चले जाओ. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो तुम्हारे दिल को आनंद दे रही है बेटा, ये सब एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज होती है. तो इकोसिस्टम तुम्हें क्या क्या दे रहा है? इकोनॉमिक मतलब पैसे, ऐसी चीज़ें भी दे रहा है जिसको सेल करके तुम पैसे ले सकते हो, ऐसी चीज़ें भी दे रहा है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कार्बन साइकिल मेंटेन कर रहा है ना, पता, और वाटर साइकिल मेंटेन कर रहा है. फिर तुम्हारे दिल को भी खुश कर दे रहा है. तो ये सारी सर्विसेज देते हैं. ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम पजेसेस, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स अपन को इकोसिस्टम देता है हम उसे इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर नाम देते हैं. ठीक है, क्या क्या देता है? बहुत सारी चीज़ें देता है. एक हेल्दी फॉरेस्ट देता है ना. फॉरेस्ट क्या करता है? एयर को प्योरीफाई करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है बेटा, वाटर साइकिल मेंटेन करता है, ड्रॉट से बचाता है ना. अगर सूखा पड़ जाएगा तो भी इकोसिस्टम बचाएगा, फ्लड आ जाएगी तो भी इकोसिस्टम बचाएगा बेटा. न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में हेल्प करता है, जो कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर है ना, इनको मेंटेन करता है. फर्टाइल सॉइल देता है ताकि वहाँ पे तुम क्या करो, क्रॉप्स को ग्रो कर सको, है ना, क्रॉप्स को ग्रो कर सको. और जो भी खाना है, तुम्हारा फेवरेट सब्जी है, जो पटेटो है, जो भी तुम खाते हो बेटा, कैप्सिकम खा रहे हो, जितने भी फ्रूट्स खा रहे हो, एप्पल, मैंगो, बनाना, सभी सॉइल में ग्रो करते हैं. तो इतना प्यारा सॉइल तुम्हें दे रहा है इकोसिस्टम. फिर जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, अब हम खुद ही खुद का ना सोचें, वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर सोचें तो जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे तुम्हारे लायन टाइगर है, इनको रहने के लिए जो जगह दे रहा है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट दे रहा है ना, तो ये भी कौन कर रहा है? इकोसिस्टम कर रहा है. बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में इतने सारे टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं, इतने सारे टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, है ना, इनको मेंटेन करके रखा है. क्रॉप के पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना. तुमने देखा है फिग है, वास्प है, ये सब पॉलिनेशन के एग्जाम्पल तुम्हें पता है ना. एयर पॉलिनेशन कर रही है, वाटर पॉलिनेशन कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन कर रहा है. इकोसिस्टम में तो दोनों ही आते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, एबायोटिक भी आते हैं. तो दोनों चीज़ें मेंटेन कर रहा है. ठीक है, कौन मेंटेन कर रहा है? अपना इकोसिस्टम. ठीक है, तो पॉलिनेशन भी करवा रहा है, तभी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तभी फ्रूट बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं. स्टोरेज साइट देता है कार्बन को, है ना. अर्थ के अंदर बहुत सारा कार्बन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल्स. फिर एस्थेटिक वैल्यू देता है ना, दिल को आनंद प्राप्त करवाता है. कल्चरल वैल्यूज़ देता है. कल्चरल क्यों?
क्योंकि बहुत सारे कल्चर में पेड़ पौधे एनिमल्स की अपन क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो कल्चर से भी रिलेटेड है, स्पिरिचुअल वैल्यूज देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम इनकी वैल्यूज डिटरमाइन करें कि ये हमें प्राइस टैग लगा दो, जैसे तुम कोई भी ड्रेस खरीद के लेके आते हो है ना, तो उस पर प्राइस टैग लगाए कि 2000 रुपीज़ की शर्ट है, तो वैसे ही अगर हम प्राइस टैग लगाना चाहें कि इकोलॉजी हमें क्या क्या देता है ना, तो हम प्राइस टैग लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पर मैं तुम्हें यहाँ पे साइड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूँ जाके, ताकि तुम इससे फिगर आउट कर पाओ कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो आओ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। इन्होंने चाहा कि ये जो इकोसिस्टम मेरे लिए कर रहा है, मैं इसको एक प्राइस टैग लगाऊं कि कौन सी चीज़ कितने रुपीस में कर रहा है वो। ठीक है, तो उनने और उनके कलीग्स ने बहुत मेहनत करी कि ये जो नेचर से अपन को लाइफ सपोर्ट सर्विसेज मिल रही है, ठीक है, तो इन्होंने पता करा कि जो एवरेज प्राइस टैग है वो कितना है, US डॉलर्स में 33 ट्रिलियन पर ईयर। इतना तो पैसा हमारे लोगों के पास है ही नहीं, जितने पैसे का काम वो फ्री में कर देता है। तो 33 ट्रिलियन US डॉलर्स बेटा, इट इज़ टू मच। इतने की इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही है फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए हम बोलते हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करो, नेचर को प्रिजर्व करो। ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम वो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा है। अगर इसका हम करने लगे, इसका हम पैसा हमें सबमिट करना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है। अपनी वर्ल्ड के बाद इतना रुपीज़ ही नहीं है जितने का काम ये कर रहा है। ठीक है, फिर और भी चीज़ों पे, फंडामेंटल प्रोसेसेस पे इन्होंने करा। मतलब तुम्हें पता है कि अगर हम ग्लोबल इनकम देखें कि इस वर्ल्ड की ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, GNP का फुल फॉर्म आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की इनकम कितनी है, इतनी इनकम है 18 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, इनकम इतनी है, और इतना अगर हमें इसको पे करना पड़ जाए तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्री में हमें सर्विसेज मिल रही है। तो कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही है वो अपन एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा पैसे लेता है, 50% ऑफ दी एक्सपेंसेस है वो सॉइल फॉर्मेशन के वजह से है। फिर जो रिक्रिएशन है, मतलब यही है कि तुमको एंटरटेन करना, एनिमल्स तुम एंटरटेन करते हैं, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, घूमने को एक प्यारा सा फॉरेस्ट मिल रहा है कैंपेनिंग के लिए, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये लेस देन 10% ऑक्यूपाई करते हैं। और द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है फिर भी नेचर कितना मेंटेन कर रहा है बेटा इस चीज़ को, कि क्लाइमेट को रेगुलेट करूँ, कब बारिश हो रही है, कहाँ गर्मी है, कहाँ ठंड है। और जो वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए जो जगह दे रहा है वो 6% है। समझ आया तुम्हें? तो कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। तो इसको अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे अपन, कि जो सॉइल है फॉर्मेशन वो 50% ऑक्यूपाई करता है, रिक्रिएशन ये लिख लो, बार बार इस पैराग्राफ को कहाँ पढ़ोगे, रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कितना करेगा, 10% करेगा, और हैबिटेट मतलब जो जगह चाहिए वाइल्ड लाइफ को और क्लाइमेट का रेगुलेशन चाहिए वो कितना होता है, 6% होता है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज अपन को याद करनी है, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में या फिर चूज द इनकरेक्ट चूज द करेक्ट में पूछे जाते हैं बेटा। ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब मैं तुम्हें आगे की बात बताती हूँ कि परसों, मतलब तीन क्लासेस होने वाली है अपनी, एक होगी फ्राइडे को, एक होगी सैटरडे को, एक होगी संडे को। ठीक है, तो फ्राइडे को अपन क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें टाइम टेबल बताने वाली हूँ, यूट्यूब पे जो क्लासेस होगी उसके बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो जो टाइम टेबल होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का नीट का प्रिपरेशन करते टाइम, कोई बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हम टाइम टेबल नहीं मैनेज कर पा रहे, टाइम टेबल कैसे फॉर्म करें, है ना, वो मैं तुम्हें बताऊंगी कब, फ्राइडे को। ठीक है, सैटरडे को मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, सैटरडे को मैं एक क्लास लूंगी जिसमें मैं तुम्हें हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करूंगी और पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन बताऊंगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन और जो ये साइकिल्स है ना, कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, वो बताऊंगी। संडे को जो क्लास होगी दैट इज़ गोइंग टू बी सरप्राइज, ये मैं तुम्हें कल या परसों में बताती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने पूरा इकोसिस्टम कवर कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की थ्योरी चाहिए, किस चीज़ की थ्योरी तुम्हें चाहिए वो मुझे बता दो,
तो वो थ्योरी लेक्चर्स में तुम्हारे लिए लेके आती हूँ बेटा, यूट्यूब पर इसी चैनल पे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम इस चीज़ की हमें थ्योरी करवा दो, तो मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए थ्योरीज प्लान कर लूँगी। तो अभी हम कब मिलेंगे? अब अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरा रेफरेंस कोड है बेटा डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। और अनअकैडमी ऐप पे रात को हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाली मिश्रा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है? ओके बच्चों, तो फिर फ्राइडे को मिलते हैं टाइम टेबल वाले सेशन के साथ, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड, है ना? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।